हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगुकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज का जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वह है नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का मतलब क्या होता है और कौन से वो सिम्टम्स होते हैं या तो साइंस होते हैं कि जब भी आपको पता चले कि आपको हॉस्पिटल जाना है, और नॉर्मल डिलीवरी के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। तो आइए अब मैं बताती हूँ कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी का मतलब क्या होता है। नॉर्मल डिलीवरी यानी कि जब भी कोई फीमेल जो नॉर्मल बर्थ कैनाल है वजाइनल रूट से जब भी बच्चे का जन्म होता है तभी उसे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कहा जाता है। और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नॉर्मल तभी माना जाता है जब भी उनका जो प्रोग्रेस है लेबर का वो अच्छे से हो रहा है, बच्चे का जो हेड है वो नीचे के भाग में है और विद इन पर्टिकुलर टाइम डिलीवरी हो जाती है विदाउट एनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। और नीचे की जो जगह है, माँ का जो पेल्विस है वह अप्रोप्रिएट है, यानी कि बच्चे का हेड और माँ का पेल्विस वहाँ पे कोई किफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, यानी कि बच्चे के हेड और पेल्विस के जो मेजरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तभी जाके नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। अब मैं बताती हूँ कि कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जब भी एक माँ को पता चले कि अभी उसको हॉस्पिटल पहुँचना है। क्योंकि जनरली जो भी पेशेंट्स हैं जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि मैम हमें हॉस्पिटल कभी आना है। जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है बहुत प्रीशियस है कि 15, 17, 18 साल के बाद उनको जब भी बच्चा रुका है तो वो लोग बहुत पैनिकी करते हैं कि थोड़ा भी बच्चे का मूवमेंट्स नहीं है तो हॉस्पिटल आ जाते हैं, या तो उनको घर में भी बहुत टेंशन रहता है कि जैसे बच्चे ने मूवमेंट नहीं किया है तो दो दो तीन दिन वो सोते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट 28 वीक्स 28 हफ्ते के बाद आपको यह चीज़ का एक चेकलिस्ट बना देना है कि जैसे पूरे दिन में बच्चा कितने बार मूवमेंट करता है। इसके लिए जनरली जो मैं एडवाइस करती हूँ कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरा दिन वो गिनती कर सके कि बच्चे की मूवमेंट कितने टाइम हो रही है। तो इसके लिए बहुत ही एक आसान तरीका मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हो उसके बाद का 1 आवर, जैसे आपने 8 बजे नाश्ता किया है तो 8 से 9 के बीच में वह 1 घंटे में बच्चा कितने बार मूवमेंट देता है। फिर आपका लंच जैसे हो रहा है 2 बजे, सो आफ्टर दैट 1 आवर, सो 2 to 3 के बीच में बच्चा कितने बार मूवमेंट देता है। और रात को जैसे आपका डिनर 8 बजे हो रहा है कम्प्लीट, तो आप 8 से 9 बजे के बीच में 1 घंटा आपको गिनती करना है कि फीटल मूवमेंट्स बच्चे की मूवमेंट्स कितने बार हो रही है। सो मॉर्निंग का 1 घंटा, आफ्टरनून का 1 घंटा और डिनर के बाद का यह 1 घंटा, यह 1-1 घंटे में आपने जो गिनती की है उसका जो टोटल है वो 12 के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में 5 बार मूवमेंट हुआ है, आफ्टरनून में 5 बार और रात को 5 बार, सो यह टोटल 15 हो गया। सो अगर बच्चे का मूवमेंट आपको पूरे दिन में मोर देन 12 है देन इट इज़ नॉर्मल। सो 12 to 30 अगर बहुत ज़्यादा है तभी भी उसे अच्छा नहीं माना जाता है, और अगर 12 से नीचे है तो आपको जल्द ही हॉस्पिटल आके एक चेकअप करवा लेना है। अगर सब सिनारियो सही है तो आपको वापस घर पे भेजा जाएगा। सो, मैं बात कर रही थी कि कौन सा ऐसे सिम्टम्स है कि तब आपको पता चले कि हॉस्पिटल आना है। सो, जैसे मैंने बताया कि फीटल मूवमेंट्स अगर आपको कभी भी लगता है कि कम हो रही है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। अगर आपको लगता है कि नीचे से पेशाब जैसा पानी छूट रहा है, जो बच्चे के आजू बाजू जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन रहता है एमनियोटिक फ्लूइड का जो बैग रहता है वो जब भी रप्चर होता है तभी लीकिंग शुरू हो जाता है, और यह जो लीकिंग रहता है यह जो पानी रहता है वह एकदम थिन वाटरी रहता है, वाटरी कलर का रहता है, और आपको ऐसे जस्ट गश ऑफ फ्लूइड जैसे निकल गया वैसे महसूस हो सकता है। या तो अगर आपको मासिक के दाग गिरते हैं
ब्लीडिंग शुरू हो जाता है तो आपको जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचना है, या तो आपको पेन शुरू हो जाता है, जैसे कमर के भाग में से पेट के भाग में अगर आपको पेन आ रहा है, और यह जो पेन है इसके लिए मैं आपको एक रूल बताना चाहती हूँ कि 411, यानी कि अगर आपको 4 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है या तो पेन आ रहा है, और यह जो पेन है वो एटलीस्ट 1 मिनट तक रुकता है। सो अगर आपको ये 411 का रूल आप याद रखते हो और ऐसी परिस्थिति है तो उसका मतलब है कि आपके लेबर पेन शुरू हो चुके हैं, तभी आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। अभी यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉल्स लेबर पेन्स एंड ट्रू लेबर पेन्स। जैसे कभी ऐसा होता है कि पेशेंट 32 वीक्स 8वां महीना चल रहा है और थोड़ा हैवीनेस लगता है, बार बार पेशाब करने जैसा लग रहा है, हेड जैसे एंगेज होता है, जो समय है अराउंड 32 to 36 वीक्स में हेड एंगेज होता है, तो मदर को थोड़ा हैवी फील होता है, प्लस तभी उनको जो पेन आते हैं वह कमर के भाग में से शुरू होके पेट के भाग में आते हैं, लेकिन बहुत माइल्ड रहते हैं, माइल्ड बैकएक होता है, और यह जो पेन है वो ऑटोमेटिक चला जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता नहीं है, उसका जो ड्यूरेशन है वह भी बढ़ता नहीं है, और इसे फॉल्स लेबर पेन्स कहा जाता है। जैसे आप फाइनल कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं उसके पहले एक रिहर्सल होता है, सो कुदरत ने भी ऐसा ही जो फॉल्स लेबर पेन है इट इज़ अ रिहर्सल फॉर द एक्चुअल लेबर पेन्स। और यह जो पेन है उसे फॉल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेबर पेन के टाइम पे आपका जो नीचे का गर्भाशय का जो मुख है, जो सर्वाइकल डायलेटेशन होना चाहिए, वो फॉल्स लेबर पेन्स के टाइम नहीं होता है। हालांकि ट्रू लेबर पेन्स जो है, जिसमें आपको बैक एक होता है, कमर से पेट के भाग में पेन शुरू होते हैं, यह जो पेन रहते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 411 का रूल है, वही हिसाब से पेन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगा, पेन का जो ड्यूरेशन है वह भी बढ़ेगा, और उसके साथ साथ सर्वाइकल डायलेटेशन यानी कि गर्भाशय के मुख का, बच्चेदानी जो है उसका जो मुख है, सर्विक्स जिसे कहा जाता है, वह भी डायलेटेशन शुरू होता है। सो आइए अब बात करते हैं कि लेबर पेन जो रहते हैं या तो लेबर का जो प्रोसेस है उसके कितने स्टेजेस होते हैं। सो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो लेबर रहता है उसके टोटल एज सच 3 स्टेजेस होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसे हम डिवाइड करते हैं लेटेंट फेज ऑफ लेबर एंड एक्टिव फेज ऑफ लेबर। सो लेटेंट फेज ऑफ लेबर जो है इसमें फॉल्स लेबर पेन धीरे धीरे करके ट्रू लेबर पेन शुरू होते हैं, और यहाँ पे जो डायलेटेशन होता है वो 0 to 2 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन होता है। उसके बाद एक्टिव फेज ऑफ लेबर जो है उसमें 2 सेंटीमीटर से फुल डायलेटेशन, यानी कि जो सर्विक्स है उसका कंप्लीट डायलेटेशन होता है, एंड दैट इज मैक्सिमम इज 9 सेंटीमीटर। सो 9 सेंटीमीटर मतलब पूरा रास्ता हो गया है। इसके बाद जो फेज आता है दैट इज़ अ स्टेज 2 ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज जो है इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो बर्थ है, बच्चे का जो डिलीवरी है, बच्चे का हेड बाहर आता है और पूरा बच्चा डिलीवर होता है, दैट इज़ अ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है कि जिसमें प्लेसेंटा बाहर आता है, एंड फोर्थ स्टेज कभी कभी हम बोलते हैं कि फोर्थ स्टेज दैट इज़ अ रिकवरी फेज। सो एक्चुअली there are 3 stages of labor and fourth stage we can say as a stage of recovery. So friends, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि normal delivery के क्या क्या symptoms होते हैं, क्या क्या stages होते हैं। काफ़ी लोगों के question होते हैं कि exactly कितना time लगता है normal delivery के लिए। So friends, normal delivery के लिए जैसे कभी कभी fast progress होता है तो within 4 to 6 hours भी delivery हो सकती है, लेकिन maximum जो हम रुकते हैं दैट इज़ मैक्सिमम 2 to 3 डेज। और जनरली अगर आपको लीकिंग हो गया है तो हम लोग 24 घंटे से ज़्यादा रुकना थोड़ा मुश्किल होता है, या तो बच्चे के लिए वो एक जोखिम हो जाता है, माँ को भी इन्फेक्शन वगैरह के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो एवरेज इज़ मैक्सिमम 3 डेज। सो फ्रेंड्स, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, और जो रिकवरी वगैरह रहता है वो बहुत ही फास्ट रहता है।
और जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उनको यह पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी विद इन हाफ एन आवर टू वन आवर माँ को प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको लगता है कि और कोई टॉपिक हम आपके समक्ष लेके आए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।